आज मैं आपको बताऊंगा एक नई इंस्टीट्यूट के बारे में जो पैरामेडिकल एंड नर्सिंग के कोर्स कराता है। यह आगरा में स्थित है। बात करते हैं जीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में। जीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, जीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये कहाँ है? आगरा में है। कॉन्टैक्ट नंबर ये है। देखते रहिए आप, यहाँ पर तस्वीरें चेंज होती रहेंगी। ये है बिल्डिंग जीजी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का। ये है लैब, ये है पैथोलॉजी लैब, ये है पेशेंट को दिखा रहे हैं कैसे क्या करते हैं, ट्रेनिंग कराते हुए। ये समस्त स्टाफ और बच्चे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये फ्लैग है, तिरंगा है। और अब बात करता हूँ इसमें कोर्स क्या क्या होते हैं, अफिलिएशन कहाँ से है। अफिलिएशन इसका कुछ कोर्स छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से हैं, कुछ कोर्स अफिलिएशन एंड अप्रूवल, इसमें देखो हम टच करते हैं और वैसे इस पर लिखा भी है साफ साफ, अप्रूव्ड बाय स्टेट मेडिकल गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय स्टेट यूपी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग न्यू दिल्ली अफिलिएटेड टू छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कानपुर है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है। प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग, स्टूडेंट अंडरगोज क्लिनिकल ट्रेनिंग इन पेरेंट 105 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जीजी मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर आगरा एट संजय पैलेस, अफिलिएशन टू हॉस्पिटल एस एन मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल रूरल CHC एंड PHC आगरा। अब इसमें फैसिलिटी क्या क्या है हम आपको बताएंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब है, माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, OBG एंड पीडियाट्रिक का लैब है, CHN कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशन लैब है, बायोकेमिस्ट्री एंड ऑटोमेंस लैब है, हिस्टोपैथोलॉजी लैब है और हेमाटोलॉजी की भी लैब है और ऑप्टोमेट्रिक की भी लैब है, ETC आदि और भी लैब हैं। वेल एक्वायर्ड लैब फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट। अब मैं बात करूँगा बीबॉक कोर्सेज, इसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री 2 ईयर का कोर्स है, 40 सीट हैं और 10+2 चाहिए, PCB PCM कुछ भी हो चलेगा। डिप्लोमा इन ऑपरेशन टेक्निश थिएटर टेक्नीशियन कहते हैं, OT टेक्नीशियन वही है, PCM PCB सब में चलेगा। इसकी भी 40 सीटें हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस, ये भी 40 सीटें हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस की केवल 10 सीटें, 40 नहीं 10 सीटें। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन 20 सीटें, डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन 30 सीटें, डिप्लोमा इन CT टेक्नीशियन 30 सीटें। यह रहा पैरामेडिकल का। अब आएगा नर्सिंग का। नर्सिंग कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जन GNM होता है, 3 ईयर का, 40 सीट है। और बैचलर डिग्री में क्या क्या होता है? BSc नर्सिंग है और बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, 3.5 साल का कोर्स है। PCB इसमें केवल PCB ही चलेगा और 50% होना अनिवार्य, 50% का होना अति अनावश्यक है। इसकी लास्ट टर्म कोर्स यहाँ भी दिए हुए BSc नर्सिंग, BSc एवं BMLD और ANM। यहाँ पर शो करा रहा है ANM, ऊपर वहाँ नहीं करा रहा था लेकिन यहाँ शो ANM करा रहा है, तो ये करा रहा होगा
कराता है ये कॉलेज, ANM और GNM दोनों ही कराता है। पैरामेडिकल को पैरामेडिकल वर्ल्ड में OT भी कराता है और ऑप्टोमेट्री भी कराता है, डायलिसिस टेक्नीशियन भी कराता है, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन भी कराता है, MRI टेक्नीशियन भी कराता है, CT स्कैन टेक्नीशियन भी कराता है। आगे हम बात करते हैं, ये था हमारा कॉलेज का पूरे के बारे में। अब हम इसमें कुछ और देख लेते हैं, जैसे फैसिलिटी है, कॉन्टैक्ट है, पेबल फीस, फीस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। पेबल फीस आपको ऑनलाइन फीस बननी है तो इसका वो कॉलेज का पूरा फंडा है, इंडियन बैंक है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, लगता है अगर सब कुछ है यहाँ ऑनलाइन फीस भर सकते हैं। चलिए ये वीडियो में यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नया खबर लेके। धन्यवाद।